सो हाय गाइस, दिस इज़ लखन गुप्ता एंड यू आर वाचिंग गुप्ता जी जोन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 के टिप्स के बारे में। ड्रीम 11 पे कैप्टन वाइज कैप्टन किस तरह चुने कि हम हर बार विन कर जाए। तो गाइस, आज वही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, कैप्टन वाइज कैप्टन कैसे चुनना है। वीडियो को लास्ट तक देना, बहुत 100% हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप शायद मैच कभी हारो ही ना। तो इंग्लैंड और इंडिया का ये मैच है गाइस, मान लिया जाए। अब इसमें हमें कैप्टन कैसे चूज़ करना है, तो फर्स्ट स्टेप बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप नॉर्मल है आपको, सेकंड स्टेप बताऊंगा, मेन स्टेप वही है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें करना ये है कि या तो हमें कैप्टन वाइज ऐसे प्लेयर्स को बनाना है, कैप्टन वाइज कैप्टन, जिनका रिजेंट जो 5 मैचेस का फॉर्म बहुत अच्छा रहा हो। जैसे पिछले 5 मैचों में उसने अगर 300 रन बना दिए, 400 रन बना दिए, तो अगर ऐसा अच्छा फॉर्म रहा तो उसको हमें सिंपल सा कैप्टन बना देना है। और वाइस कैप्टन हमें किसी ऑलराउंडर्स को बना देना है जो थोड़ी बॉलिंग करता है और बैटिंग में भी आ जाती है। तो ऐसे आपको करना है। अब दूसरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। तो आपको इसके लिए सिंपल सा क्रोम ऐप ओपन करना होगा। सो गाइस, अब एक वेबसाइट है, उस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन नहीं गाइस, एक बार विजिट कर लेना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, जहाँ से हमारा मेन स्टेप चालू होता है कैप्टन वाइज कैप्टन सिलेक्ट करने का। तो आपको बैटवे यहाँ पर टाइप कर देना है और ओके दबा देना है और इसको ओपन कर लेना है। अब गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो बैटवे है ये एक बैटिंग साइट है और ये वर्ल्ड की टॉप बैटिंग साइट्स में से आती है। तो इसका हम सहारा लेंगे ड्रीम 11 में कैप्टन वाइज कैप्टन के लिए। तो आपको सिंपल सा, अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें स्पोर्ट्स पर जाना है। गाइस, ये लोड हो रहा है। अब आपको यहाँ पर क्रिकेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप नीचे आओगे तो जैसे आज मैच है इंग्लैंड और इंडिया का, तो इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको डेली मैचेस शो होंगे, जो भी जिस दिन भी डेली मैच होगा। अब आपको सिंपल सा आप नीचे आ जाना है बिल्कुल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर कुछ स्टैट्स हैं। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ। जैसा कि गाइस आप देख सकते हो, इंडिया टॉप बैट्समैन। अब मान लिया जाए, यहाँ पर लिखा रहा है विराट कोहली के आगे लिखा रहा है 3.00, मतलब विराट कोहली पर अगर आप 100 रुपीज़ लगाते हो तो आपको 300 मिलते हैं। मतलब इनके हिसाब से लगता है ना कि विराट कोहली अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद ये रोहित शर्मा का अगर आप 100 लगाते हो तो 475 मिलते हैं, और शिखर धवन पर 100 लगाते हो तो 500। मतलब सबसे कम ये बेटिंग साइट, इतनी बड़ी बेटिंग साइट, ये समझते हैं कि विराट कोहली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनने इनके सबसे कम ओट्स दे रखे हैं। ऐसे ही आपको इंग्लैंड टॉप बैट्समैन में जाना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा जेम्स विंस, जॉय रूट जो 3.75, जोस बटलर 4.75, बेन स्टॉक 5, यान मॉर्गन 5.5। मतलब जॉय रूट के जो 100 रुपये लगाओगे तो 375 मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब जॉय रूट यहाँ पर इंग्लैंड के हिसाब से, बैटवे के हिसाब से इंग्लैंड की टीम से जॉय रूट अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, फिक्स नहीं है लेकिन अच्छा कर सकता है ये सोच रहे हैं। और इंडिया की तरफ से विराट कोहली टॉप स्कोर कर सकता है ये भी सोच रहे हैं। मतलब दोनों टीमों से इन्होंने तो इनके हिसाब से प्रेडिक्ट कर लिया है कि ज़्यादा चांसेस है कि यही स्कोर करें। अब गाइस, कोई और भी कर सकता है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि ये जो दिया है, इन्होंने जो दिया प्लेयर वही परफॉर्म करे, लेकिन ये बैटवा है, हम विश्वास कर सकते हैं वर्ल्ड की टॉप बैटिंग साइड से। तो इस तरह आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। जैसे इंग्लैंड में जॉय रूट के कम ओट्स हैं तो आप इन्हें कैप्टन बना दीजिए या फिर वाइस कैप्टन बना दीजिए, और इंडिया में विराट कोहली के सबसे कम ओट्स हैं तो इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दीजिए। तो इस तरह आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। और भी यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं अगर आप सर्च करना चाहो तो। सो गाइस, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाना है। एक और वेबसाइट है bet365, वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हो जाकर। एंड गाइस, मैं आपको सिंपल सा बताना इस वजह से चाहता था क्योंकि बैटवे एक बहुत बड़ी साइट है,
आप देख इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, ये दुनिया की टॉप सेकंड बेटिंग साइट है। यहाँ पर डेली लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। तो मतलब मान सकते हैं कि इन बेटिंग साइट्स के प्रेडिक्शन सही हो सकते हैं। तो हम बस इनके प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि आप यही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे तो विन कर जाओगे। सो गाइस, ये सिंपल से एक थोड़ी टिप थी आपके लिए जो शायद काम आ सकती है। एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना अगर सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। एंड बाय।